हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत, आप सभी का EMDT चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो जो है मैंने हेरिटेज कॉलेज के बारे में बनाया है। यहाँ पर आपके हेरिटेज कॉलेज से रिलेटेड सारी डिटेल्स को इस छोटे से वीडियो में मैंने डाल दिया है। अगर आप BTech के स्टूडेंट हैं, MTech के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लेटरल एंट्री के कैंडिडेट हैं, BTech हो या MTech हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज के अबाउट के बारे में दिया हुआ है, जो कि कॉलेज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है, जिसे आप पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे कुछ कोर्स जो कि यहाँ पर कॉलेज में कराए जाते हैं, ये सारी अवेलेबल यहाँ पर डिटेल्स दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, साथ ही आपका IT है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, EE है, बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, लैटरल एंट्री जो कि 3 ईयर्स की कराए थे BTech का, वो है। इसके बाद आपका MTech है। ठीक है, MTech में भी लैटरल एंट्री यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर MTech में देखिए CSE है अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसके साथ ही जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अब MTech का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और VLSI डिज़ाइन कराया जाता है। इसके बाद जो है मास्टर्स से जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में कराया जाता है। ठीक है, इसके साथ कुछ फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं इस कॉलेज में जो है क्या क्या है। तो यहाँ गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल्स अवेलेबल है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, मेडिकल फैसिलिटी है, इसके साथ IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाईफाई अवेलेबल है फ्री का, उसके बाद बस भी अवेलेबल है, आप चाहे तो बस भी करवा सकते हैं अपने लिए, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडमिशन के तरफ में। यहाँ की यहाँ पर देखिए, जो कि मैंने कहा ऑलरेडी, GLET कैंडिडेट, JEE के स्टूडेंट, इसके साथ ही WBJEE एंड GATE के जो भी कैंडिडेट हैं जो MTech में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों का यहाँ पर एडमिशन होता है। इसके बाद अगर फैकल्टी की तरफ देखें, तो यहाँ पर 250 फैकल्टीज अवेलेबल है। ठीक है, जिनमें डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ठीक है, इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी है। सारी डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। इसके साथ हमारा अगर फीस स्ट्रक्चर अगर देखें, तो इंडिविजुअल हर स्ट्रीम का जो है हमारा और कोर्सेज बेस पे यहाँ पर फीस अलग अलग है, जैसे कि BTech, अब चलते हैं हम लोग कंपनी, यहाँ पर कौन से कंपनी कैंपसिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं E4 से इलेक्शन है, गैलियो, SCL, ये सारे कंपनी, बहुत सारे कंपनी यहाँ पर आते हैं इस कॉलेज में। सबसे ज़्यादा बेसिकली फ़ायदा यह है कि यहाँ पर बहुत सारे कंपनी आते हैं, जितने भी MNC कंपनी है, फिर इंडियस कंपनी है, ये सारे कंपनी यहाँ पर आते हैं, और मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को ये लोग अपने साथ कंपनी में ले जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है, तो आपको भी एक अच्छा खासा पैकेज मिलता है इस कंपनी के थ्रू, इस कॉलेज के थ्रू। ठीक है, तो आपको ये कॉलेज कैसा लगा आप हमें बोल सकते हैं कमेंट में, और अगर आपको अलग से कोई कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके भी बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कॉलेज का कुछ वेबसाइट डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है इस वीडियो में, तो आप यहाँ से भी जाकर आप कॉलेज को प्रॉपरली विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है,